दिया नहीं, किताब तो नहीं लिखी थी। गुड मॉर्निंग क्लास, ओके आज हम आपको पढ़ा रहे हैं नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो लेसन है ना चल रहा था, अभी तक चल रहा था, तो हम लोग पहुंच गए थे नमक का दरोगा में कि पंडित अलोपी दीन जो थे, कहते हैं ना कि जब उनके पास गाड़ियां जो थी वहां पर आ गई और उन्होंने रात को जब आवाज़ सुनी तो पंडित वो बंशीधर जो थे घोड़े पर चढ़ करके वहाँ पर जा पहुँचते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। तो पंडित अलोपी दीन जो थे स्तंभित हो गए, गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ गया किंतु रोग के मारे उसका ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी भी नहीं देखा था। ऐसा धर्म का निरादर करते हुए कभी भी नहीं देखा था। विचार किया कि ये अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ में झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। तो जो पंडित अलोपी दीन थे वो बंशीधर को, जो मुंशी बंशीधर हैं उनसे, उनको जब पैसा देते हैं, रुपये पैसा देते हैं तो वो लेते नहीं हैं, तो उन्हें जो था अपनी मतलब लक्ष्मी जी पर पूरा 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 विश्वास था। तो वो सोचते हैं कि ये बच्चा है अभी अल्लड़ है, इसको अभी समझ नहीं है, उदंड बच्चा है, तो क्या वो कहते हैं कि हमारे और तुम में कोई अंतर नहीं है, मतलब हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं, तो हमारा अपमान करने से आपके हाथ में आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा, तो आप ना हमारा आप अपमान करिए और अपना आप मतलब पैसा ले लो, रिश्वत ले लो और हमारा काम होने को जाने दो। लेकिन क्या होता है कि बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन को जिस अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। मतलब जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, किसको, कौन सा सहारा था, रुपए पैसे का सहारा था, धन और लक्ष्मी का सहारा था कि जिसको भी दे देंगे हमारा काम मतलब हो जाएगा, तो उनको उन्होंने चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से उसे ऐसा चला कि जमीन खिसकती जा रही है, नहीं हो पा रहा है काम। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लग गई, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। मतलब उनको ये था कि सांख्यिक शक्ति मतलब कितने पैसे इसको चाहिए, कितने मतलब कितने डिजिट में चाहिए, इसको कितने पैसे चाहिए, हम उतना देंगे, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था। अपने मुख्तार से बोले, जो अपना काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, इस समय ये भूखे शेर हो गए हैं, इनको मतलब बहुत पैसा चाहिए। बंसीधर ने नरम होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मान से नहीं हटा सकते, आप मुझे चाहे 1,00,000 भी रुपया दे देंगे तभी भी मैं अपने मान से रास्ते से नहीं हटूंगा। तो धर्म की ऐसी बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग करके मन बहुत झुंझला गया, उसका मन जो था बहुत दुखी हो गया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धन ने उछल उछल करके आक्रमण करने शुरू कर दिए। धन ने उछल उछल करके मतलब चलो तुम 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, तो ये उछलना कहते हैं, धन ने उछलना शुरू कर दिया। तो कहते हैं आक्रमण शुरू कर दिए, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर के बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, मतलब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, इसके आगे आपको अधिकार है कि मतलब आप जो भी करना चाहें। ठीक, तो बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा करके 2-3 कदम पीछे हट गए, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, 25,000 का निपटारा करने को मैं तैयार हूँ, मैं आपको 25,000 रुपया भी दे दूंगा, मतलब इसी में आप मतलब हम लोगों की आपस में बात हो जाएगी, 25,000 रुपये। तो लेकिन वो कहते हैं यह असंभव बात है, यह असंभव बात है, तो कहते हैं 30,000
कहते हैं किसी भी तरह ये संभव नहीं है कि 30,000 पर भी हमारी और आपकी बात कर जाए। तो 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी वो कहते हैं, कौन, मुंशी वशीधर कहते हैं कि 30,000 क्या, 40,000 क्या, 40,00,000 भी आप हमें रुपया देंगे तो भी ये बात असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अपनी हिरासत में ले लो, वो उनको ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है कि इनको हिरासत में ले लो। और अंत अब मैं एक शब्द भी इनका सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैर उतारे उचर डाला, ठीक है। आलोपी दी ने एक हृष्ट पृष्ठ मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से, मतलब दयनीय दृष्टि से देखने लगी। उसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के वे गिर पड़े, जब उन्होंने हथकड़ियां लेते हुए आते देखा तो वो एकदम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। कहते हैं दुनिया सोती थी, रात का समय था जब नमक के गाड़ियां जा रही थी, तो दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जो है जागती थी, जीभ मतलब बातें करने के लिए। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार की टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मतलब इतना लोगों को ये पैसा देते थे, कर्जे पे उधार दिया करते थे, सब कुछ देते थे ना, तो वही आज कहते हैं दुनिया सो रही थी लेकिन उनकी जीत आ गई। सवेरे उठ करके पंडित आलोपी जी की बुराइयां ही बुराइयां, निंदा ही निंदा हो गई। तो मानो संसार से अब पापों का पाप कट गया, मानो इस संसार से सब पापी का पाप कट गया, मतलब इतना लोगों को दुख देता था, तो कहते हैं अच्छा हुआ ये पकड़ गया तो हमारा, हम लोगों का भी पाप कट, इसका भी पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे, मतलब सभी एक दूसरे उनके बारे में बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर के कॉन्स्टेबलों के साथ में हाथों में हथकड़ियाँ और हृदय में ग्लानी और क्षोभ भरे, मतलब दुख भरे हुए, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले, तो क्या हुआ, सारे शहर में हलचल मच गई, मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती हैं, मेले में जाकर के आंखें किसी भी चीज़ को देखने के लिए इतनी बेचैन नहीं होती हैं जितनी कि लोग भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा, मतलब कोई छत पे खड़ा है, कोई ऊपर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, तो सब लोग पंडित आलोपी जी को देखने के लिए जहाँ जिसको जगह मिली वहीं जा करके खड़ा हो गया। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी, पंडित आलोपी जी इस अगार बन के सिंह थे, मतलब जहाँ पर वो रहते थे उन्होंने बिल्कुल शेर के समान अपना साम्राज्य बना रखा था कि यदि शेर आ जाए तो सारे लोग अपने अपने घरों में घुस जाते, तो उसी प्रकार से पंडित आलोपी जी इस जगह के क्या थे, शेर थे, उनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता था, कोई सामने नहीं आ सकता था। तो अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, वो तो सब गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, लोग विस्मित हो रहे थे, विस्मित मतलब लोग आश्चर्यजनक हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में फंस कैसे गए। मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, मतलब बातों से कमाता हो, और जिसके पास इतना धन हो, तो ऐसा मनुष्य कानून के पंजे में कैसे आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, मतलब वकील कर दिए गए। न्याय के मैदान में धर्म में और धन में युद्ध बन गया। यश बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा और कोई भी बल नहीं था, ना उनके पास कोई वकील थे और ना उनके पास कोई सेना थी, तो कोई बल नहीं था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल थे और उनके पास कोई भी शस्त्र उनके पास कुछ भी नहीं था। कि किसकी शक्ति थी उनके पास,
सिर्फ उनके पास सत्य की शक्ति थी, सत्य की शक्ति थी। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। अब न्याय का दरबार था, कहते मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ मतलब खिंचा हुआ दिखाई देता था। मतलब सारे जितने भी वकील किए गए वो सब पंडित तलोपी के थे, तो वो कहते थे मतलब हमारी तरफ कोई है नहीं, तो हो सकता है कि हमारा जो बोलने का मतलब न्याय हमारी तरफ से ना हो। तो ये न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु तो कहते हैं पश्चाताप और न्याय का क्या मोल होता है? पश्चाताप और न्याय का कोई मोल नहीं है। जहाँ पक्षपात होता हो जहाँ न्याय की वहाँ पर न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पर पक्षपात होता है वहाँ पर न्याय कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित तलोपी जी के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और ऋणात्मक है। मतलब पंडित तलोपी जी के विरुद्ध जो कोई भी ये केस पास किया गया है ये सब झूठा है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा साहस किया। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, मतलब उन्होंने ये दोष मतलब ऐसा दुस्साहस किया है, लेकिन फिर भी नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर जो हैं उनका भी अधिक दोष नहीं है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक ऐसे भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। मतलब सुनिए कि मतलब उनका भी इतना दोष नहीं है, किसका? मुंशी बंशीधर का भी दोष नहीं है, लेकिन उनकी उदंडता के कारण, लोग कहते हैं उनकी उदंडता के कारण मतलब मुंशी पंडित अलोपी जी को इतना कष्ट झेलना पड़ा है, उनकी विश्वास भले मानुष को, क्योंकि वहाँ के वो शेर थे तो लोग जो थे उनसे बहुत डरते थे। तो कहते हैं ये भला मानस व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भले मानस को इतना कष्ट उठाना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग है और सचेत रहता है। कौन? मुंशी बंशीधर अपने काम में जागरूक है और हमेशा चैतन्य रूप में रहता है। किंतु नमक से मुकदमे में यहाँ हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। किंतु भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वो उल्टा उन्होंने बंशीधर को ही बोल दिया कि मतलब नमक के मुकदमे में बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया और भविष्य में उन्हें आगे से होशियार रहना चाहिए कि मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। वकीलों ने ये फैसला सुना और वे उछल पड़े, खुश हो गए। पंडित अलोपी दीन मुस्कराते हुए बाहर निकल आए क्योंकि उनकी उसमें जीत हो गई। तो स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव का खिला दी। कहते हैं पंडित अलोपी दीन निकल के बाहर आ गए, जितने उनके जान पहचान वाले थे सभी संबंधी थे उनके हृदय में प्यार का सागर उमड़ पड़ता है और उनकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। मतलब यहाँ पर न्याय का फैसला नहीं किया गया, अन्याय का फैसला हो गया। तो जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंगवारों की वर्षा होने लगी, लोग उनके ऊपर ताने कसने लगे। चपरासियों ने झुक झुक करके सलाम किए, किंतु उस समय एक कटु वाक्य एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। एक एक जो व्यक्ति जो उनको ताने दे रहा था वो उनकी अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। उनके अंदर जो क्रोध हो गया था न्याय के प्रति, अदालत के प्रति जो क्रोध था और उन्हें और बढ़ा रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदनाक विचित्र अनुभव हुआ। मतलब आज उन्हें इस संसार में ये मतलब बहुत दुख भरा ये अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे वाले भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। कहते हैं आज उन्हें इस बात का अनुभव हो गया कि न्याय के मंदिर में इतनी लंबी चौड़ी चौड़ी उपाधियाँ मतलब इतनी चौड़ी चौड़ी पदवियाँ प्राप्त करने वाले और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखने वाले व्यक्ति भी और जो वकील जो हैं इतने लंबे लंबे चोंगे पहन लेते हैं वो भी आज आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्याय का बोलबाला है। न्याय नहीं होता है यहाँ पर, अन्याय का बोलबाला है। तो वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था।
धन से बैल मोल ले लिया, मतलब पैसा उन्होंने लिया नहीं, तो उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ कार्य परार्थता का उन्हें दंड मिल गया। मतलब एक परवाना मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, एक उनके पास एक संदेश आया और काव्य जो उन्होंने जो अच्छा कार्य किया था कार में, जो अच्छा कार्य किया था उन्हें दंड मिलना था, तो दंड आ पहुंचा। बेचारे भग्न हृदय, मतलब टूटे हुए हृदय से दुख से में व्यथित होकर के दुख से घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे, बूढ़े मुंशी जी मतलब जो उनके पिताजी जो थे, कि चलते चलते इस लड़के को बहुत समझाया था लेकिन इसने हमारी एक भी ना सुनी। सब मनमानी करता है, हम तो तलवार और कसाई के तगादे जैसे ही बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह थी। तो वो कहते हैं हमने इसको तो बहुत समझाया था पर ये माना नहीं, क्या हो गया, हमने भी नौकरी की है और कोई ओहदेदार भी नहीं थे लेकिन काम दिल खोल करके किया और अब आप जो हैं ईमानदार बनने चले हैं। अब ये बनने चले हैं ईमानदार, किसके लिए कहते हैं, अपने बेटे मुंशीधर के प्रति, मुंशीधर के नहीं बंसीधर के प्रति कहता है। ठीक है, तो घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जरूर जलाएंगे, खेद ऐसी समझ कर पढ़ना लिखना सब अकार चला गया, इसको इतना पढ़ाया लिखाया सब बेकार चला गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे। बूढ़े पिताजी ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिर पीट लिया, बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना मैं दोनों का सिर खोल। बहुत देर तक पछता बैठा कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी उन्होंने कह दी और यदि बंसीधर वहाँ से टल ना जाते, वहाँ से चले ना जाते तो अवश्य ही क्रोध उनका विकट रूप धारण कर लेता, उनके ऊपर क्रोध जो था भयंकर रूप धारण कर लेता। अच्छा, वृद्ध माता को भी दुख हुआ, जगन्नाथ और ओमेश्वर रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं जो थी उनकी मिट्टी में मिल गई। मतलब वो चाहते थे कि यात्रा से आ जाएंगे, बेटा पैसे लाएगा रिश्वत है तो क्या होगा कि हम रामेश्वर की तीर्थ यात्रा भी कराएंगे और जगन्नाथ की भी, तो उनकी जो कल्पनाएँ जो थी वो मिट्टी में मिल जाती हैं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे उनसे बात भी नहीं की, बंसीधर से उन्होंने कई महीनों तक उनसे बात भी नहीं की, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक सप्ताह बीत जाता है और शाम का समय होता है, बूढ़े मुंशी जी बैठे हुए राम नाम की माला जप रहे थे, बूढ़े मुंशी जी मतलब बंसीधर के पिताजी। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुकता है और रुकता है, हरे और गुलाबी पर्दे हैं उसमें पड़े हुए थे और पसीने बैलों की जोड़ियाँ थीं, उनकी गर्दनों में नीले धागे थे और सींगे जो थीं पीतल से जड़ी हुई थी। कई नौकर जो थे लाठियाँ कंधों पर रखे हुए साथ आए थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, बूढ़े मुंशी जी जो थे अगवानी करने के लिए दौड़े, अगवानी मीन्स उनका वेलकम करने के लिए, सब उनका स्वागत करने के लिए वे आगे आए, तो देखा पंडित अलोपी दीन आए हैं तो झुक करके मतलब उनको प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करनी। लल्लो चप्पो की मतलब बातें क्या होते हैं कि जब उनके घर आए हैं तो उन्होंने उनको निकाल भी दिया है लेकिन फिर भी उनसे प्रेम से बातें करते रहते हैं, मतलब प्रेम से बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे, आप हमारे पूज्य देवता हैं, कहते हैं हमारे भाग्य उदय हो गया जो आप हमारे घर आए, इसी को लल्लो चप्पो कहते हैं, तो भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण जो हैं हमारे द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको हम कौन सा मुँह दिखाएं, मुँह में तो मेरे काले कुत गई हैं, ये मतलब उनके बेटे ने गलत काम किया है जबकि उनके बेटे ने तो अच्छा काम किया था, फिर भी वो कहते हैं कि हमारे मुख में तो काले कुत गई है, किंतु क्या करें लड़का भागा है वो पूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता, आज हमें आपसे मुँह छिपाना क्यों पड़ता, ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर हमें ऐसी संतान ना दे। मतलब अपने बेटे को ही जो वो आते हैं उनके आगे अपने बेटे की ही वो बहुत बुराई करते हैं और कहते हैं कि मेरे मुँह पे इसने आकर के काले कुत। अलोपी जी ने कहा नहीं नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए, ऐसा आप मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर के कहा ऐसी संतान को मैं और क्या कहूँ। अलोपी जी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा
कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। लोपी जी ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में मतलब वात्सल्य रस क्या होता है, जो किसी बेटे का या माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम कहते हैं वात्सल्य रस। तो पंडित अलोपी दीन वात्सल्य पूर्ण मतलब प्रेम भरे स्वर में वो उस किसकी प्रति, बंसीधर के प्रति वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहते हैं कि पुरुषों की बात मतलब अपने ये कुल दीपक है और पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाला है। ऐसे धर्म परायण जो मनुष्य होते हैं वे धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दें, मतलब उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया तो अपना सब कुछ अर्पण कर दें, ऐसे मनुष्य जो होते हैं इस संसार में बहुत ही कम होते हैं। पंडित अलोपी जी ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को अपने अधिकार बल से मुझे आपने अपनी हिरासत में ले लिया अपने मतलब अधिकार बल से, क्योंकि आप दरोगा थे, तो दरोगा का अधिकार होता है कि जिसको भी हिरासत में ले सकता है, तो वो कहते हैं अपने अधिकार बल से आपने हमें हिरासत में ले लिया था, मतलब बंद ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आ गया। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों में से हमें काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, मतलब हम किसी से परास्त नहीं हो पाए, हम किसी से हार नहीं मान पाए, लेकिन आपने हमें परास्त कर दिया। क्यों? मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना करके छोड़ दिया। गुलाम बनाकर मतलब जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन आपने धर्म पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं, मैं आपसे मतलब कुछ विनती करूं या आपसे कुछ कहूं। तो बंसीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर फिर भी उसने उसका सत्कार किया, उनका आदर किया, किंतु स्वाभिमान के साथ उन्होंने उसका आदर भी किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, मतलब वो ये समझ गए कि मुझे मतलब मैंने इनको नौकरी से हटा दिया है तो ये हमें लज्जित करने के लिए यहाँ पर करने के लिए चले आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहसी से प्रतीत हुई। तो पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से उन्होंने देखा, क्या सद्भाव झलक रहा था, मतलब उनके मन में अच्छे भाव झलक रहे थे। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहती है, मुझसे कुछ अभिनय हुई है उसे आप क्षमा कर दीजिए, मुझसे मतलब कुछ ऐसी गलती हो गई है जो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी मैं आपके सिर माथे। वो कहते हैं कि हमसे मतलब कुछ गलती हो गई, मैं धर्मों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, फिर भी मैं आपका दास हूँ, आप बताइए जो आप आज्ञा देंगे हम वही करें। अलोपी दीन ने विनम्रता के भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। पंडित अलोपी दीन बंसीधर से कहते हैं कि नदी के किनारे पर जो मैंने आपसे प्रार्थना की थी वो आपने तो मेरी मानी नहीं, लेकिन आज मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूँ वो आपको उसे आज मानना ही पड़ेगा। वंशीधर बोले, मैं किसी योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई कमी नहीं, मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं हो पाएगी। तो अलोपी दीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रख करके बोले, इस पद को आप स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मतलब उन्होंने एक स्टैंप लगा हुआ निकाला और बोला कि इस पद को आप स्वीकार कर लीजिए और इस पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और जब तक आप उसमें ये सवाल मेरा पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके द्वार से नहीं जाऊँगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा और कृतज्ञता से उपकार मानते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया और 6,000 रुपये मासिक वेतन के अधिक रोजाना खर्च अलग
सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर उन्होंने उसे मुक्त दे दिए। और कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी मैं उदारता की प्रशंसा कर सकूँ। आपने जो उदारता दिखाई है मैं उसकी प्रशंसा कर सकूँ, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं। वो कहता है कि मैं जरूर आपकी प्रशंसा करूँ लेकिन मैं इस पद के योग्य नहीं। अलोपी दीन हंस करके बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही आपकी जरूरत है। मतलब मैं ऐसा अयोग्य नहीं हूँ, तो वो कहते हैं मैं अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत। तो बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वो स्वभाव जो इन त्रुटियों को की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्यों की जरूरत होती। अलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में दे करके बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, समझ में आया, विद्वता की चाह है, ना मुझे अनुभव की चाह है और ना मर्मज्ञता की और ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं पा चुका हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुका है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है। कौन सा मोती? मुंशी वंशीधर दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक जो है फीकी पड़ जाती है। यह कलम दीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। कौन कहता है? पंडित अलोपी जी इसे कहता है, मुंशी वंशीधर से कहता है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब कहते हैं वही नदी के किनारे वाला उदंड व्यक्ति और कठोर किंतु धर्मनिष्ठ धर्म को मानने वाला वह आपको वैसा ही दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाएं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। इतना एहसान मतलब संकुचित पात्र में उनके मन में इतना उनका इन्होंने मेरा इतना एहसान मतलब किया तो वो समा ना सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उन्होंने देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। अलोपी दीन ने खुश होकर के उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। अलोपी दीन प्रसन्न होकर के उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है नमक का दरोगा की जो कहानी है, कहानी का जो सारांश है एक्चुअली से मैंने आपको पूरा पढ़ करके पूरा समझा दिया है, तो आपकी समझ में इतना तो आ गया होगा कि नमक का दरोगा का सारांश क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं, क्या लिखा है, कहानी का कौन सा पात्र कहते हैं, कहानी का कौन सा जो पात्र है आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? कहते हैं और क्यों प्रभावित करता है? कहते हैं इस कहानी का पात्र कौन था? कहानी का पात्र कौन है? मुंशी वंशीधर जो है, मतलब एक अलोपी दीन है और ये दो ही तो पात्र हैं, एक्चुअली तो मुंशी वंशीधर और वो। तो कहानी का पात्र जो है वंशीधर जो होता है वो हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह ईमानदार है, शिक्षित है, कर्तव्यपरायण है, धर्मनिष्ठ है और इसके विपरीत उसके पिताजी जो हैं उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, है ना, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं। परंतु वह क्या करता है, वह इन सबके विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। मतलब क्यों? कहते हैं कहानी का कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है? कहते कहानी के दो पात्र हैं, पंडित अलोपी दीन और मुंशी वंशीधर। तो मुंशी वंशीधर जो है हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि जो उसके पिताजी जो हैं, उसके पिता जो हैं उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं कि मतलब रिश्वत लेनी चाहिए, करनी चाहिए, तो बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं और घर की दयनीय दशा का वो हवाला देते रहते हैं। तो फिर भी उसके विपरीत वह ईमानदार
ईमान, फिर भी वह उसके विपरीत ईमानदारी का व्यवहार, ईमानदारी का व्यवहार करता है। ठीक। तो नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर करके सामने आते हैं? पंडित अलोपी दीन के दो पहलू, पंडित अलोपी दीन के दो पहलू समझ मतलब सामने आते हैं। तो पंडित अलोपी दीन के दो पहलू समझ कर, दो पहलू सामने आते हैं। तो कहते हैं अलोपी दीन जो थे एक मतलब एक नामी सेठ थे, बहुत उनका मतलब बहुत उनका नाम था, नामी सेठ थे। उनका व्यक्तित्व शोषक महाजन का सा था कि मतलब वो दूसरे लोगों का शोषण किया करते, मतलब शोषण करते थे। और उन्होंने सत्य निष्ठा का भी मान किया, लेकिन वो नामी सेठ थे, उनका व्यक्तित्व शोषक प्रवृत्ति का था। शोषक महाजन, जैसे महाजन कैसे होते हैं, महाजन जो होते हैं दूसरे को मतलब जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनका शोषण करते हैं, लेकिन फिर भी वो सत्य निष्ठा का भी आदर करते थे। और उनकी विशेषताएँ क्या हैं, मतलब उनकी विशेषताएँ नहीं, पहले क्या थे, वो लक्ष्मी के उपासक थे, मतलब उन्हें धन पर अटूट विश्वास था, उन्हें अपने धन पर अटूट विश्वास था। और वे चाहते थे कि सही और गलत, वे सही तरीके से और गलत तरीके से दोनों तरीके से धन कमाते थे। नमक का व्यापार जो करते थे वो इसी की मिसाल है। वे कठिन घड़ी में भी धन को ही अपना हथियार मानते थे, और उन्हें ये विश्वास था कि इस लोक से, इस लोक से लेकर के उस लोक तक उनके सारे काम जो हैं किससे हो जाएंगे, लक्ष्मी की दया से ही संभव होते हैं। इसलिए बंसीधर भी, इसीलिए बंसीधर की धर्मनिष्ठा पर उन्होंने उछल उछल करके वार किया था। तो पहले क्या होता है, फिर से समझिएगा, देखिए लक्ष्मी का उपासक, मतलब जो पंडित अलोपी दीन जो होते हैं, आप सिंपल सा भी आप देख सकते हैं कि पंडित अलोपी दीन जो थे धर्म मतलब लक्ष्मी के उपासक थे, लक्ष्मी के उपासक थे। वे सही गलत, वे सही तरीके से गलत तरीके से दोनों तरीके से धन कमाते थे। और जो नमक का जो व्यवसाय करते थे वही इसी की मिसाल है। वे चाहते थे कि इस लोक से उस लोक तक यदि कुछ भी काम करना है तो वो लक्ष्मी के बल पर वो कर लेंगे, लेकिन मतलब ये उसी को अपना हथियार हथियार मानते थे, और सब काम उनका जो है लक्ष्मी की दया से ही संभव हो जाता है। इसलिए वे बंसीधर की धर्मनिष्ठा पर, बंसीधर की धर्मनिष्ठा पर उन्होंने उछल उछल करके वार किया है। उछल उछल करके वार किया क्योंकि जब नमक का, नमक के उन्होंने कहा था कि गाड़ियाँ छोड़ दो, तो वो कहते हैं आप पैसे ले लो, रिश्वत देते हैं उन्हें 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 20,000 तक पहुँचते हैं, उन्होंने 25,000 वो देते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो क्या उन्होंने क्या कहा था, मुंशी बंसीधर ने कहा तुम 1,00,000 क्या, तुम 5,00,000 भी कह दो। तो उन्होंने देखा कि मतलब लक्ष्मी का उन्होंने उछल उछल करके प्रहार किया, उछल उछल करके उनके ऊपर वार किया था, क्योंकि वो जानते थे कि लक्ष्मी के वे उपासक थे, मतलब मेन बात था कि वे लक्ष्मी के उपासक थे, लक्ष्मी को ही अपना सब कुछ माना करते थे। और दूसरा क्या है, ईमानदारी के कायल थे, क्योंकि धन के उपासक होते हुए भी बंसीधर ने क्या किया, ईमानदारी का सम्मान किया। जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया, इसको बंसीधर को जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो लास्ट में क्या होता है, मतलब वो उनके घर जाते हैं, अलोपी दीन उनके घर जाते हैं, उनको अपना मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, उनको अपना मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, अपनी जायदाद सौंप देते हैं, और उन्हें मैनेज मतलब उन्हें उनके मैनेजर पद पर मतलब इस नियुक्त कर देते हैं, जमींदार, और मतलब वो अपनी जायदाद जो है, जायदाद जो है सारी उनके नाम पर कर देते हैं, और वेतन नौकर चाकर मतलब सभी उनको दे देते हैं, सभी उनको दे देते हैं। तो कहते हैं ये सत्य के मतलब ईमानदारी के कायल हैं। तो दो व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं, एक लक्ष्मी का उपासक है, और नंबर टू में आएगा ईमानदारी के ये कायल, ईमानदारी के कायल थे। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, कहानी के लगभग सभी पात्र किसी ना किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। तो ये अगले अगले वाले जो क्वेश्चन हैं ये हम आपको नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है बेटा जी, ओके बाय।